हिसार में झुग्गियों को लेकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं कि आसपास जितनी झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई थी सभी झुग्गियों को यहाँ पर गिरा दिया गया है। सेक्टर 16 में ये बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं कि सामने पीला पंजा चल रहा है, यहाँ पर झुग्गियों को किस तरह यहाँ पर गिराया जा रहा है। काफी समय से यहाँ पर सेक्टर 16-17 में जो झुग्गियां थी उन पर यहाँ पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि आसपास कितनी झुग्गियां यहाँ पर बड़ी संख्या में बनी हुई थी। चारों तरफ आपको झुग्गियां यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी और यहाँ पर आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन झुग्गियों को गिराने का काम किया है। और जो लोग इन झुग्गियों पर रह रहे थे अब सड़क के ऊपर आ गए हैं। देख सकते हैं परिवार के परिवार जो यहाँ पर सड़कों के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनका सामान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सड़क के ऊपर आ गए हैं। जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, क्या कहना सर? कार्रवाई तो बहुत, अभी देख लीजिए छोटा छोटा बालक है, इनको अभी ठंडी में लेके कहाँ जाएंगे, आके झुग्गी तोड़ दिया जबरदस्ती, हम लोग कहाँ जाएं, अभी रोड पे खड़े हैं। कितने समय से जो है आप रह रहे थे और आपके परिवार में कितने लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे थे? यहाँ पर तो सर हम करीब 15 साल से रह रहे हैं और हमारे परिवार के छोड़िए पूरा फैमिली आप देख ही रहे कितना, यहाँ कम से कम जो है 500 झुग्गी यहाँ पे था। तो 10-10, 15-15 साल से लोग यहाँ पर रह रहे थे। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ, उनका सामान देख सकते हैं किस तरह यहाँ से हटा दिया गया है। बात बताइए, आप मान के चलो कुछ ही का टाइम होता है, समय होता है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, ऐसी बात नहीं है, मान के चलो गरीब आदमी है, मान जो हम लोग खुद सेफ्ट कर रहा था सामान का, आके GCP लगा दिया, ये कोई सरकार को थोड़ी है। कोई पहले बताया नहीं गया था सरकार की तरफ से, पर सरकार कोई नोटिस देगा तब तो नोटिस ने आज तक कोई प्रधानमंत्री, मान चलो आज प्रधानमंत्री क्या बोला था, समय झुग्गी वाले को रूम देंगे, आज प्रधानमंत्री 3-3 राज को जीत कर आप प्रधानमंत्री, मैं भी BJP का सपोर्टर हूँ, 3-3 राज जीत गया है, अभी भी मान के झुग्गी तोड़वा रहा है, अभी भी खट्टर सरकार यहाँ पर है, खट्टर सरकार को एक BJP का भी सरकार है, BJP क्या कहता है, मैं सारे गरीब आदमी को झुग्गी दूंगा, कहाँ झुग्गी दिया है, अभी रोड पर आ गया है, तो लोग यहाँ पर बेघर कर दिया गया है, आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ झुग्गी तोड़ा ठीक है, लेकिन नलका उलका रहना चाहिए कि बच्चे मेरे 2 घंटा पानी पीना चाहिए। अब आप कहाँ पे रहेंगे, अब जब आपका जो घर है जो झुग्गी था, कहीं तो रहना है, या तो टिकट कटाएंगे बिहार जाएंगे, और क्या करना है, इससे आगे तो कुछ करना नहीं है। अभी इनका जमीन अभी कहाँ है, अभी BJP सरकार कहाँ है, बड़े बड़े बातें करता है, देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर हैं। इन महिलाएं हमसे पूछते हैं इनका क्या कहना है कि आप बच्चों के साथ आप परिवार के साथ इन सड़कों पे अब आपको बिठा दिया गया है, जो घर था आपका जो झुग्गी थी जहाँ पर रहते थे वहाँ से हटा दिया गया, क्या कहना है? हटा दिया तो सड़कों पर रहूंगी, व्यवस्था अभी नहीं हुआ है, रूम सुमार नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। घोसला बनाता है, हटाता है, ऐसे हटा दिया, मेरे घोसले ने घोसला चाहिए, मेरे घोसला रहने के लिए चाहिए। गरीब गरीब लोग हैं, मतलब कहने का मतलब कि जो ये किराए पे कमरा ये सब नहीं ले सकते हैं, और अचानक जो हटा दिया गया। हाँ जी हाँ जी, अचानक सरकार की तरफ से जो, हाँ जी हाँ जी, अब जैसे 15 दिन का टाइम दिया था हम लोगों के, अब 15 दिन में हम लोग टाइम दिया था तो हम लोग कमरे ढूंढेंगे जी, कमरे पहले पूछ के आगे हम लोग 2-2 हजार बताए थे, ठीक है, उसके बाद अभी जब कमरे लेने गए तो 5-5 हजार बता रहे हैं, हम लोग कहाँ से भरेंगे जी बताओ, 5-5 हजार में भी अभी कमरे नहीं दे रहा है, वो भी नहीं दे रहा है। तो सब कहाँ के रहने वाले? बिहार के। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? 20 साल हो गया, किसी 30-30 साल हो गया है। क्या काम करते हैं हम लोग? तो जी दिहाड़ी वगैरह करते हैं, कभी कभी लगता है कभी नहीं लगता है जी, सफाई मजदूरी करता है, सब घर में काम करते हैं यहाँ पे। कोई जब हटाया गया तो कुछ कारण बताया हुआ किस वजह से हटाया गया जी? कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बोला है कि खाली कर दो यहाँ से, तो सब घबरा गए थे एकदम से। 2-3 घंटे था, उसने बोला था क्या जी ये खाली कर दो खाली कर दो, टाइम भी नहीं दिया उसने, बस 2 दिन का टाइम दिया था, 2 दिन में कहीं कमरा लेंगे, किसी से 50 हजार रूपये ले रखे हैं जी, उनको लेकर तो बिहार नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेन देन करते हैं, काम करते हैं, हम पत्थर उठाते हैं, वर्तमान दुकान में काम करते हैं, और जो है हम किसी 50 हजार रूपये रखे हैं, अचानक 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन में कहीं रूम नहीं मिला है, रूम मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा बात नहीं, झुग्गी नहीं रहे तो सबको कोई दिक्कत नहीं, रूम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ मौका नहीं दे रहा है जी।
तो इनका साफ साफ कहना कि यहाँ पर कोई मौका यहाँ पर नहीं दिया गया है, इनको जो समय देना चाहिए था ताकि ये अपने रहने का ठिकाने कई व्यवस्था कर सके, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था करने का समय नहीं दिया गया है। और ये सभी लोग जो है बाहर से है, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन इन राज्यों से रहने वाले हैं। तो आपको और दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर झुग्गियों को लेकर बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, और किस तरह यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और किसी तरह से कोई विरोध ना हो इसको देखते हुए भी यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ सड़कों पर बैठी हुई आपको नजर आ रही होंगी। तो चारों तरफ आपको दिखा दें किस तरह का माहौल है यहाँ पर, चारों तरफ पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ दिया गया है झुग्गियों को। रूम मिल जाएगा हम लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे, हम जो है मजदूरी करते हैं जी। क्या कहना है सर? हमें तो यही कहना है कि हम लोग को कोई व्यवस्था दिया जाए, इस ठंड के मौसम में बालक को लेकर कहाँ जाएंगे, कहीं व्यवस्था दे। अभी देख लीजिए ना, रोटी पानी, ना रोटी का व्यवस्था है ना पानी का व्यवस्था है, तो अभी ये बालक को लेकर हम कहाँ जाएंगे यहाँ से, ना कोई हमको व्यवस्था रहने का है ना कुछ है। तो बिल्कुल व्यवस्था यहाँ पे अभी इनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि आगे ये व्यवस्था किस तरह करेंगे, किस तरह जो है अपने परिवार वालों का एक नया ठिकाना यहाँ पर ढूंढेंगे। तो आपको दिखा दे सामने किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होते हुए आपको नजर आ रही होगी। सामने देख सकते हैं यहाँ पर पीला पंजा प्रशासन की तरफ से यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो झुग्गियां है यहाँ पर तोड़ी जा रही है, और साथ ही साथ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह जो है सड़क लोगों को सड़कों पर यहाँ पर ला दिया गया है। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर झुग्गियां है, और ये बच्चे आपको दिखाई दे उन झुग्गियों के बीच, जो इन बच्चे यहाँ पर रह रहे होंगे सामने देख सकते हैं अभी भी जो बच्चे हैं उन झुग्गियों के बीच आपको नजर आ रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है, आपको अंदर भी ले जाएंगे इन झुग्गियों के बीच के अंदर की तस्वीरें फिलहाल क्या है और कहाँ तक ये झुग्गियां जो है बनी हुई है। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह जो लड़के लोगों को है सड़कों के ऊपर यहाँ पर ला दिया गया है, एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे जो प्रशासन मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर जो है बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। देखिए किस तरह बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, झुग्गियों को देखिए किस तरह यहाँ पर गिराया जा रहा है। वो झुग्गियां जो कुछ समय पहले यहाँ के लोगों के लिए घर थी, यहाँ के लोगों के लिए ठिकाना थी, यहाँ पर लोग रहते थे अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, आज उनको बेघर कर दिया है। और सबसे बड़ा गुस्सा है इनका इस वजह से है कि सरकार ने कोई नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे, खाना खुना खाए इन्होंने? नहीं खाई है खाना, खाना कैसे खाएगी, सारे तो रहने के लिए तो हटा दिया, तो कहाँ जगह भी नहीं दिया, बिहार में नहीं सुविधा दिया मोदी सरकार, तो मैं दूसरी जगह आ गई कि कमा के खाओ, बच्चे को पालो पढ़ाओ लिखाओ, तो वहाँ से हटा रही है तो अपन फुट पर वो खाएगी और क्या करेगी। सच्चाई चार दिन से बोल रही है हटने के लिए, चार दिन में कहाँ व्यवस्था करूँ। इतने कोई नोटिस आपको दिया गया था? नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया, चार दिन पहले बोले थे कि आप सब हट जाओ, चार दिन में ना रूम मिलती ना कुछ भी मिलती है, कहाँ बच्चे के लेते जाओ। यहाँ पर देखिए प्रशासन में सब कुछ चल रहा है, दो साल से नोटिस भी दे रहा है, अगर नॉलेज ना हो पूरी नॉलेज लो उसके बाद। यहाँ पे इनको नोटिस दिया गया है दो साल से, तो क्या वजह है, मतलब किस वजह से यहाँ पे जो है जो कार्रवाई की गई है? खाली नशे बेचते उसका क्या करे, ये आपको पता है? तो नशे के लिए कर पत्रकार हो, नशे बेचते हैं आपको पता है? तो आपसे पूछ रहे हैं, आप प्रशासन में हो ना, कहीं हो, मैं ये पूछ रहा हूँ नशे बेचते हैं आपको पता है? नशे हर जगह बिकते हो पता है, हमें भी पता है उसको। तो चोरी होती है घरों में, यहाँ आसपास में सारों में, वो चीज पता है आपको? जब बोल रहे हो कि नोटिस नहीं दिया, वो चीज है माइक लेके नहीं, ये कह रहे हैं।